स्टूडेंट्स वेलकम बैक ऑनलाइन क्लास क्लास सिक्स स्टूडेंट्स हम लोग प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में चैप्टर एट प्रोग्रामिंग इन क्यूबेसिक स्टडी कर रहे थे आज हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं टूडेज टॉपिक रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे आज हम लोग ऑपरेटर्स का सेकंड टाइप्स रिलेशनल ऑपरेटर्स पर डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट व्हाट इज़ रिलेशनल ऑपरेटर्स सबसे पहले हम यह जानेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है स्टूडेंट्स रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म कंपेरिजन ऑन टू वैल्यूज़ ऑफ द सेम टाइप रिलेशनल ऑपरेटर्स एक ही तरह के किसी दो वैल्यू पर कंपेरिजन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है ओके कंपेरिजन ऑफ स्ट्रिंग डेटा विथ न्यूमेरिक डेटा कैन नॉट बी डन कोई भी स्ट्रिंग डेटा का जो कंपेरिज़न होता है वो न्यूमेरिक डेटा के साथ किया नहीं जा सकता है ठीक है दे आर कंपेयर्ड विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ऑपरेटर्स यानी हम लोग इसको जो जिस ऑपरेटर्स को जो कंपेयर करते हैं इस ऑपरेटर्स में फॉलोइंग ऑपरेटर्स का हेल्प लेकर के कंपेयर करते हैं ओके okay? इस ऑपरेटर्स को हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या ऑपरेटर्स होता है जिसको हम लोग रिलेट करते हैं इसका फर्स्ट ऑपरेशन से ऑपरेटर्स है इक्वल इसका फंक्शन क्या है इक्वल यानी देखिए एक सेम्बॉल इक्वल का।, का ये आपका इक्वल का ये सिंबल है इसका यूज है इसको हम लोग इक्वल बोलते हैं फंक्शन में और इसका एक्सप्लेनेशन है टू चेक द इक्वालिटी बिटवीन टू ऑपरेंट यानी किसी दो ऑपरेंट के बीच का इक्वलिटी को चेक करने के लिए इस ऑपरेटर्स का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू वाई यूजेस एट इज इक्वल टू फोर यानी रिजल्ट इसका क्या मिला फॉल्स यानी एग्जाम्पल है कि एक्स क्या वाई इक्वल है यानी या फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एट इक्वल टू फोर यानी एट फोर का इक्वल है तो रिजल्ट क्या मिल रहा है फॉल्स नहीं एट एट फोर का इक्वल नहीं होता है इसी तरह से नेक्स्ट ऑपरेटर्स है लेस देन ग्रेटर देन इसका फंक्शन है नॉट इक्वल टू एक्सप्लेनेशन हो गया टू चेक द नन इक्वालिटी बिटवीन टू ऑपरेंट यानी किसी दो ऑपरेंट के बीच नन इक्वालिटी को चेक करता है कि यानी दोनों आपस में इक्वल नहीं है ओके फॉर एग्जांपल एक्स लेस देन इक्वल टू वाई यूजेज एट लेस देन इक्वल टू फोर यानी ट्रू हाँ ये से, ये करेक्ट है कि एट छोटा नहीं है फोर से और नहीं नेक्स्ट है आ,

द फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन द सेकंड वैल्यू यानी लेस देन का यूज हम लोग इसलिए करते हैं है कि फर्स्ट वैल्यू चेक करते हैं कि सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू छोटा है तो फॉर एग्जांपल एक्स लेस देन वाई यानी एट लेस देन फोर ये फॉल्स हो गया ठीक है क्योंकि एट फोर से तो छोटा नहीं है इसीलिए फॉल्स रिजल्ट में आएगा नेक्स्ट ऑपरेटर से ग्रेटर देन इक्वल टू ठीक है इसका फंक्शन भी है ग्रेटर देन इक्वल टू ये आपका सिंबल हो गया और ये आपका इसका फंक्शन हो गया देखिए ये आपका सिंबल है ये आपका इसका फंक्शन है और ये एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन में क्या है कि टू चेक वेदर द फर्स्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेकंड वैल्यू यानी इस एक्सप्लेनेशन है इस फंक्शन का यूज होता है कि जब हम लोग इसमें कहता है कि फर्स्ट वैल्यू क्या सेकेंड वैल्यू से इक्वल है या फिर बराबर है वो चेक करने के लिए ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई यानी एट ग्रेटर देन इज इक्वल टू फोर ट्रू हाँ एट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू फोर है ठीक है नेक्स्ट है ऑपरेटर्स लेस देन इक्वल टू यानी टू चेक वेदर द फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू द सेकंड वैल्यू यानी इसमें चेक करने के लिए किया जाता है कि क्या जो वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू के से छोटा है या फिर इक्वल है फॉर एग्जाम्पल एक्स लेस देन इज इक्वल टू वाई यूजेज एट लेस देन इक्वल टू फोर यानी ये क्या है ये फॉल्स है क्योंकि ये एट्स एट फोर से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है ओके स्टूडेंट्स ये था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर्स इसका थर्ड ऑपरेटर्स हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कम्बाइंड टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन टू एवेलुएट ए सिंगल वैल्यू एज ट्रू नन जो जीरो और फॉल्स जीरो ओके लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कब किया जाता है जब हम लोग किसी सिंगल वैल्यू को एवेलुएट करने के लिए ये या दो या दो से अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशन को किसी सिंगल वैल्यू में एवेलुएट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि ये देखना रहता है कि क्या ये जो वैल्यू हम लोग ऑपरेटर्स अपरे, में जो वैल्यू हम लोग शो कर रहे हैं वो क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है ओके ट्रू के लिए नन ज़ीरो होता है और फॉल्स के लिए जीरो होता है द द लॉजिकल ऑपरेटर्स वी यूज इन क्यूबेसिक आर एंड और एंड नॉट लॉजिकल ऑपरेशन ऑपरेटर्स में क्या क्या किसका इस्तेमाल होता है क्यूबेसिक में एंड का यूज करते हैं और का एंड नॉट नॉट का ओके यानी जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है क्यूबेसिक में एंड और नॉट का यूज किया जाता है तो इसलिए इसको हम लोग टेबल्स में समझ लेते हैं एंड ऑपरेटर्स hmm. में आ गया है एंड एंड का क्या एक्सप्लेनेशन होता है तो इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द रिजल्ट रिटर्न्स रिलेशनल एक्सप्रेशन आर ट्रू अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स देखिए एंड का यूज किया जाता है कि जब जितने भी रिजल्ट होता है अगर वो ट्रू है ठीक है तो रिलेशनल एक्सप्रेशन में वो क्या करेगा ट्रू शो करेगा अब अग, अदरवाइज अगर वो फॉल्स है कोई रिजल्ट तो रिलेशनल एक्सप्रेशंस um, में वो रिटर्निंग में फॉल्स शो करेगा फॉर एग्जांपल एक्स लेस देन वाई एंड जेड वाई इज इक्वल टू जेड ठीक है इसका यूजेज है फाइव ग्रेटर देन टू एंड टू इज इक्वल टू टू या फिर एक्स ग्रेटर देन वाई एंड वाई लेस देन जेड तो फाइव लेस देन टू एंड टू लेस देन टू देखिए इसमें जब फाइव लेस देन ग्रेटर देन टू एंड टू इक्वल टू टू था तो वो क्या था स्टेटमेंट इसका रिजल्ट था, ट्रू था ओके फिर फाइव लेस देन टू एंड टू लेस देन टू इसका स्टेटमेंट में क्या होगा एक्सप्लेनेशन का रिजल्ट मिलेगा फॉल्स मिलेगा नेक्स्ट ऑपरेटर से और और का एक्सप्रेशन क्या होता है समझते हैं इट रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द रिजल्ट रिटर्न्स रिलेशनल एक्सप्रेशन इज ट्रू कथा यदि अगर इसका वैल्यूज़ को का रिजल्ट को रिटर्न्स को देखें तो वन बोलता है इसमें इफ़ वन ऑफ द रिजल्ट रिटर्न्स रिलेशनल एक्सप्रेशन यानी यदि अगर रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर ट्रू है तो अदरवाइज ट्रू लिखाएगा तो इफ़ रिटर्न्स फॉल्स अगर ट्रू नहीं है तो इसका रिटर्निंग में क्या इसका रिजल्ट देगा फॉल्स देगा फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू जेड और जेड ग्रेटर देन वाई यानी वाई इक्वल वाई जेड के इक्वल है या फिर जेड ग्रेटर देन वाई यानी जेड बड़ा है वाई से तो इसके फॉर एग्जाम यूजेज में क्या होगा टू इज इक्वल टू टू और टू ग्रेटर देन टू ये ट्रू फ रिजल्ट देगा कि टू बराबर भी है टू से और टू बड़ा भी टू से ठीक है फिर नेक्स्ट है जेड लेस देन वाई और वाई ग्रेटर देन जेड या फिर यूजेज में फाइव लेस देन टू और टू ग्रेटर देन टू यानी ये इसका रिजल्ट क्या होगा फॉल्स है क्योंकि फाइव तो छोटा है नहीं टू से या फिर टू भी बड़ा नहीं हो तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा ये रिजल्ट फॉल्स होगा नॉट नेक्स्ट ऑपरेटर से नॉट नॉट क्या होता तो इ, इ, है तो इसका एक्सप्लेनेशन है इट रिटर्न्स ट्रू इफ द रिजल्ट ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन रिटर्न्स फॉल्स एंड वाइस वर्स ठीक है यानी कि इसका अगर कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन में कोई वैल्यूज अगर है तो रिजल्ट अगर दिखाया जा रहा है तो अगर आपका करेक्ट है ठीक है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा यानी रिजल्ट बताता है फॉल्स अगर आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन में आपका जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल से इसको समझेंगे नॉट एक्स ग्रेटर देन वाई अगर हम लोग एग्जाम्पल में लिखते हैं नॉट एक्स ग्रेटर देन वाई या फिर यूजेज करेंगे नॉट एफ फाइव ग्रेटर देन टू तो ये क्या हो जाएगा ये रिजल्ट इसका ट्रू होगा ओके फिर नेक्स्ट है कि नॉट वाई इज इक्वल टू जेड तो नॉट टू इज इक्वल टू ये हो गया फॉल्स तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी हम लोग एक लॉजिक लगाते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है किसी दो नंबर के बीच में कंपेयर करके ठीक है या फिर तो इसी को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हाइरे हार ऑफ ऑपरे ऑपरेशंस हाइडी ऑपरेशन क्या होता है तो द ऑर्डर इन विच द ऑपरेटर्स आर एक्सक्यूटेड इज कॉल्ड हाइरे ऑफ ऑपरेशंस यानी जिस ऑर्डर जिस ऑपरे ऑपरेटर्स में वैसे ऑर्डर जिस ऑपरेटर्स में जब हम लोग उसको एक्सक्यूट करते हैं जब वो ऑपरेटर्स स्टार्ट होता है तो उस उस सम उस कंडीशंस को उस ऑर्डर्स को हम लोग क्या कहते हैं हारकी ऑफ ऑपरेशन कहते हैं कहलाता है द बेड मास यूज फॉर द हरकी ऑफ ऑपरेशंस यानी ऑपरेशंस के हरकी के लिए हम लोग बेड मास का यूज करते हैं द फुल फॉर्म ऑफ बेड मास बेड मास का यूज इसका फुल फॉर्म क्या होता है बी फोर ब्रैकेट ई फोर एक्सपोनशियल डी फोर डिविजन एम फोर मल्टीप्लीकेशन ए फोर एडिशन एंड एस फोर सब्ट्रैक्शन ओके तो फॉर एग्जाम्पल इसको क्लियर करते हैं सॉल्व द एक्सप्रेशन इन्वर्टेड कॉमा फोर प्लस फोर एस्ट्रिक्स यानी मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट फोर प्लस टू माइनस सिक्सटीन डिवीजन टू एक्सपोनेंशिएशन टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉलन ओके जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या इसका रिजल्ट होगा अब देखिए ब्रैकेट विल बी सॉल्व फर सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे फिर एक्सपोनेंशियल विल बी परफॉर्म सेकंड सेकंड में क्या करेंगे जिसका एक्सपोनशिएशन होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे थर्ड में डिवीज़न विल बी परफॉर्म थर्ड थर्ड में क्या करेंगे डिवीजन को परफॉर्म करेंगे फिर फिर है मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेंगे फोर्थ में और फिफ्थ में एडिशनल को परफॉर्म करेंगे सिक्स में सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे नाउ दिस इज रिजल्ट योर रिजल्ट इज ट्वेंटी फोर जब इसको सारे को हम लोग सॉल्व करेंगे बेड मास के द्वारा थ्रू तो ये क्या होगा सारे सॉल्व होने के बाद रिजल्ट हमको क्या देगा ट्वेंटी फोर ओके स्टूडेंट्स थैंक यू हैव ए नाइस डे